जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स लाए हैं एक और शानदार ट्रिप। 10 मई से 19 मई तक शिमला, कुल्लू मनाली और चंडीगढ़ जैसे हसीन शहरों में आपको घुमाया जाएगा सिर्फ 16,500 रुपए में, जिसमें मणिकरण गुरुद्वारे में भी आपको दर्शन करवाया जाएगा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। अगर आप उल्लासनगर के किसी बहुमंजिली इमारत में रहते हैं और लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि शहर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो आपके इमारत की लिफ्ट के पार्ट चोरी कर जाएगा और आप इमारत की सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे आपको आर्थिक ही नहीं मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति कैंप नंबर 3 स्थित मनीष नगर की ई विंग के निवासियों के आगे शुक्रवार दोपहर उत्पन्न हो गई। इस इमारत के फ्लैट नंबर 401 के निवासी पूर्व नगर सेविका मीनू राज आसानी ने दोपहर को जैसे लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश की तो लिफ्ट बंद पाई। कुछ देर बाद पता चला कि लिफ्ट का सामान चोरी हुआ है। इससे संबंधित CCTV भी सामने आया है। पूर्व नगर सेविका मीनू राजदासानी ने पुलिस से चोरों को जल्द पकड़ने की अपील की है। आज क्या है, 12:30 बजे लगभग क्या है, हमारी लिफ्ट जो है बंद हो गई थी। वो क्या है, हमेशा थोड़ी ट्रिप होती है तो हमने जो लिफ्ट मैन है उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला ठीक है 20-15 मिनट में हम लोग भेज रहे हैं। तो 1:15 के करीबन एक आदमी उनका लिफ्ट मैन का आया और वहाँ ऊपर गया तो वहाँ उसने देखा कि वहाँ का जो ब्रेक कोल है वह निकला हुआ था, मतलब कोई वहाँ लेके गया था खोल के। तो मैं एकदम वो हो गई, मैंने बोला नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला भाभी आप ऊपर आके देखो ये हुआ है। मैं गई ऊपर, बराबर वो था। फिर हमने कैमरा लगी हुई है तो हमने क्या है वो फुटेज निकाले हैं, उसमें हमने देखा है कि एक जो है आदमी वो लिफ्ट में जा रहा है और एक सीढ़ी से निकल उतर रहा है, और जो सीढ़ी से उतर रहा है उसको हमने देखा है कि वो मोबाइल से कुछ इंटरनेट वगैरह भंग कर रहा है। और वो लोगों ने देखा भी है कि एक आदमी था जो सीढ़ियों से गया। तो ऐसे इंटरनेट लगी हुई है, लोग आते हैं ऊपर टेरेस पे, और अभी गर्मी का टाइम है तो टेरेस हम खोल के रखते हैं। और ये घटना हो गई है, ये तो बहुत गलत घटना हो गई है। ये तो मतलब लिफ्ट का है और हमको तो अपनी सभी बिल्डिंग वाले एकदम परेशान हो गए। उनको सुरक्षा का, अपनी सुरक्षा का डर है कि आज ये हो गया कल दूसरा कुछ हो सकता है। और हमारी जो है यही पुलिस विभाग से यही जो है हमारी है मांग है कि उन चोरों को जो है जल्दी से जल्दी पकड़ें। मनीष नगर की ई विंग के लिफ्ट की मरम्मत का कार्य देखने वाले संजय शिवाजी मुजबुले के अनुसार करीब 6 जगह लिफ्ट से सामान चोरी की घटना सामने आई है। चोर लिफ्ट से ब्रेक कोयल चुराते हैं जिसकी कीमत 3,000 से 4,000 रुपये है। वहीं ड्राइव EDF की कीमत 25,000 से 30,000 रुपये है। इस तरह की घटना काफ़ी दिनों से 8 सालों से हो रही है। मैं 10 से 15 साल से इस लाइन में काम करता हूँ, एज ए लिफ्ट मैकेनिकल काम करता हूँ। पर ये कहीं पे ब्रेक कॉइल चोरी हो जाती है, कहीं ड्राई को चोरी हो जाती है। आज ही के दिन में 6 जगह पे ब्रेक कॉइल चोरी हो चुकी है और परसों ही परिवर्तन में 4 नंबर में चोरी हो चुकी है। तो इससे ये मालूम पड़ता है ये गिरोह सक्रिय होता है, 10 दिन चोरी करता है फिर 2 महीने के लिए गुम हो जाता है। ये गिरोह का एक ही इंटेंशन है कि चोरी करना और पब्लिक को तंग करना। इसमें सर देखिए, एक ब्रेक कॉइल होती है जो 3,000 से 4,000 की मिलती है, और एक जो होती है, एक जो होता है ड्राइव VDF, वो मिलता है 25,000 से 30,000 तक। ये सब प्रकार की चीज़ें उन लोग चोरी करके कहीं से उनका संगठन है वहाँ पे वो बेचने की कोशिश करते हैं। पिछले 8 वर्षों से शहर की बहुमंजिली इमारतों में रहने वालों को आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान करने वाला गिरोह अब चोरी करते वक्त CCTV भी बंद कर देता है, जिससे यह बात सामने आती है कि इस गिरोह में तकनीकी जानकार भी शामिल है। ऐसा ही कुछ शुक्रवार दोपहर मनीष नगर में हुआ। ऐसा कुछ दृश्य CCTV में नजर आता है जहां संभवतः चोर CCTV में कैद हो गए हैं। वेलकम टू BK's स्मार्ट मॉल, एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, गिफ्ट आइटम्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फैंसी आइटम्स एंड होम एसेंशियल्स, कॉस्मेटिक्स, वॉचेस, परफ्यूम्स, स्पेशल टॉयज फॉर किड्स। BK's Smart Mall.